नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पत्री और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी बाहर से शूटर हायर कर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जा रही है, इस तरह का मामला आया और मामला जुड़ गया है सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ। और पूर्व विधायक हैं बिलासपुर के बंबर ठाकुर, जो पिछली बार मात्र 276 वोटों से भाजपा प्रत्याशी से हारे हैं। उन्होंने उनका बेटा इस मामले में कहीं ना कहीं फंस गया है और एक आरोप लगा है कि जब फरवरी में भी ये कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट थे, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर कोई अपने लोगों को एडजस्टमेंट करने की इनकी खींचतान सीधी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बिलासपुर में स्थित समर्थकों के बीच में इनके साथ कुछ जंग चल रही है इनकी। उस समय इनपे हमला हुआ था, तभी गोलीबारी चली, बाहर से शूटर लाए गए लेकिन पुलिस आज तक शूटर को नहीं ढूंढ पाई। अब इन पर हमले का आरोपी जो सौरव पटियाल था वो कोर्ट में पेशी के लिए आया और उस पर फायर हो गए, गोलीबारी चल गई और बाहर से शूटर बुलाया गया। तो ये सारा मामला जुड़ा, जांच चली तो मामले के तार सीधे बंबर ठाकुर के बेटे के ऊपर आकर रुक गए, क्योंकि उसने हायर किया था इसको। इस तरह के साक्ष्य पुलिस को मिले और जो फोन की बातचीत है वो सारी पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और ये सारा साक्ष्य जुटाए। और अब बंबर ठाकुर का बेटा रंजन ठाकुर फरार है, अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा है हाईकोर्ट से। लेकिन इसी बीच बंबर ठाकुर ने कहा है कि मेरी जान को अगर मेरी हत्या होती है तो उसके दोषी होंगे जगत प्रकाश नड्डा, त्रिलोक जम्बाल जो बिलासपुर से विधायक हैं, और डीजीपी हिमाचल प्रदेश के, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि जब ये बिलासपुर में 2002 में एसपी थे तो एक मामले में, झूठे मामले में उन्हें फंसाया गया, बाद में माफी मांगी एसपी ने भी उनसे और मामला फिर रद्द किया गया। बड़ा मामला है, भाजपा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है सरकार की वो कहीं ना कहीं विवादों में गिरती नजर आ रही है। और भी कई मामले हैं लेकिन शूटरों को बुलाकर हिमाचल प्रदेश में उसके प्रयोग किए जाने के मामले पहली बार शुरू हुए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देवभूमि को आखिरकार वारदातों की भूमि क्यों बनाया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी, हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के वरिष्ठ, संदीप साखियान जी हैं वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, चंद्रकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से खड़ा होता जा रहा है सरकार के खिलाफ। भाजपा ने बिलासपुर में भी विरोध प्रदर्शन निकाला, वहीं पे बंबर ठाकुर ने भी अपने चंद समर्थकों को साथ जोड़कर निकाला कि उनको झूठा फंसाया जा रहा है। तो ये सारा मामला जो है इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है कि मेरी जान को उनसे खतरा है। ऐसा क्या खतरा हो गया बंबर ठाकुर को जगत प्रकाश नड्डा जी से? देखिए, जहां तक विषय आता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करने का सीधी सीधी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की है और सरकार का उसको एक अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त रहता है और रहना भी चाहिए। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जो घटनाक्रम बिलासपुर में घट रहा है या जो चीजें वहां से उभर के सामने आ रही हैं, वो कुछ बेहद चौंकाने वाली हैं और चिंताजनक है। अपराध एक अलग विषय है। मैं बताइए, 2022 में जो व्यक्ति चुनाव हार गया और हारने से पूर्व भी उसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। तत्कालीन अध्यक्ष बनती हैं प्रतिभा जी और प्रतिभा जी अध्यक्ष बनते ही उन्हें प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाती हैं। यह क्यों? पहला प्रश्न तो यह है जिस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। वर्तमान लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में एक एनडीपीएस की जमानत पर उनका सपुत्र बंबर ठाकुर जी का गाड़ी ड्राइव करता है और मुख्यमंत्री अपना काफिला छोड़कर उसके साथ ट्रेवल करते हैं। वो सामान्य जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, देरा में बंबर ठाकुर जी को प्रभारी बनाया जाता है। क्यों? जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी आपराधिक छवि हो उस व्यक्ति को
दोनों तरफ से संरक्षण, सरकार की तरफ से भी मिल रहा है और संगठन की तरफ से मिल रहा है। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या पूरा क्या घटनाक्रम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने वाला। उसके बाद देरा का जो पूर्व प्रत्याशी थे डॉक्टर राजेश, वो 9 घंटे उनको एक होटल में बंदी बना के रखा जाता है और उनका बयान आता है कि भी मेरे बच्चों को भी जो प्रदेश से बाहर है जान का खतरा है। आखिर ऐसा उनके साथ क्या बातचीत हुई और उसके बाद उस व्यक्ति को वो इनके अधिकृत प्रत्याशी जो है मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी उनके साथ चल पड़ा। आईपीएच हो जिसे जल शक्ति विभाग कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी हो, रेलवे हो, इन सब मामलों में बंबर ठाकुर के ऊपर अनेक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों की स्थिति यह है कि जो अधिकारी हैं क्या कर्मचारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करने के मुकदमे दर्ज हैं। यहां तक के कांग्रेस के तो नहीं कहूंगा, चलो प्रदेश के वरिष्ठ नेता मैं कहूंगा, माननीय रामलाल जो बहुत वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम आता है, उन्होंने 200 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति के मामले बंबर ठाकुर के ऊपर उठाए। उसके बावजूद भी सरकार और संगठन में ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्तियों को कांग्रेस संरक्षण क्यों दे रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी तो पुलिस करेगी जो पुलिस ने करना है। और 1 जनवरी 2023 की एक आरटीआई के मुताबिक 28 मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 20 से अधिक मुकदमे आपराधिक हैं। आखिर ऐसा क्या गुणवान व्यक्ति है, ऐसा क्या गुण है, ये अवश्य कांग्रेस के लोग बताएं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद, इन स्थितियों के बावजूद वो व्यक्ति अनाप शनाप बोल रहा है। और हमने कहा था लगभग 2-3 दिन पहले कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आज ये व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहा है। अरे भी डीजीपी किसका है, प्रदेश सरकार का है, प्रदेश सरकार के अधीन है, प्रदेश सरकार ने डीजीपी बनाया है। आज वो कह रहा है कि वो डीजीपी भी जो है वो गड़बड़ा, वो आईयू के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके बयान को उसका वकील संदीप साख्यान जी खुद वकील हैं, अगर ऐसा मुवक्किल उनके पास आ जाएगा तो उसके बयान पर विश्वास नहीं करेंगे। वो अनाप शनाप बोल रहा है, कभी पुलिस के केस बोल रहा है। विवेक जी उनका कहना है कि उनको शुरू से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो कभी जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ भी निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं, और उसके बाद वो जो जगत प्रकाश नड्डा जी का अपना हलका रहा है बिलासपुर, वहां पे वो बिल्कुल करीब थे जीत के, उन्होंने पहले भी हराया उनके समर्थकों को, उसके बाद बिल्कुल जीत के करीब थे, 276 मतों से आ रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन पिटीशन भी दायर कर रखी है हाईकोर्ट में, क्योंकि उनका कहना है कि एक 9 विधायक जो जाने वाले हैं, उनका कहना है जिनका स्पीकर के पास मामला विचाराधीन है, उनमें त्रिलोक जम्बाल भी हैं सदर से, बिलासपुर सदर से, इसलिए उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, ये भी एक इल्जाम है उनका। मतलब एक आपराधिक छवि का व्यक्ति जिसके ऊपर 28 मुकदमे 20 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हों, वो विधानसभा के अध्यक्ष के भी संपर्क में है, ये तो और चिंता का विषय है। जिसको ये पता है कि 9 लोग जा रहे हैं, उसको कैसे पता है कि 9 लोग जा रहे हैं, हाउ ही कम्स टू नो इट, उसके पास क्या स्टेटमेंट लग रही है, इनके धर्मानी जी ने दी है, राजेश धर्मानी जी ने स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि वो जा सकते हैं। अब वो कोई जा सकता है, वो तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि 6 CPS भी जा रहे हैं, वो हमारी उम्मीद है ना, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो एक अलग विषय है, वैसे उनकी भी अपेक्षा है कि 9 लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक आपराधिक छवि का व्यक्ति अगर ये कहता है, और मुझे तो हैरानी इस बात की आती है कि बिलासपुर की जनता को भी पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को अगर आप अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे तो जो कांग्रेस के भीतर शरीफ लोग हैं उन्हें तो घर चले जाना चाहिए, उन्हें राजनीति से त्याग ले लेना चाहिए, वो तो इस काबिल ही नहीं है राजनीति करने के, ये छोड़ देनी चाहिए राजनीति। अरे भाई यहां तक के बिलासपुर की 2017 की खबर है मेरे पास, बिलासपुर की जो कांग्रेस है उसने इनके अगेंस्ट, जब इन्होंने रामलाल जी के अगेंस्ट बकवास किया तो उसके ऊपर उन्होंने उसका संज्ञान लिया। और हैरानी की बात है कि सब जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर संगठन और सरकार का तालमेल कितना है, लेकिन इस व्यक्ति को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है,
संगठन का भी और सरकार का भी, आखिर क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? अपराधिक होना एक अलग विषय है, अपराध को तो सेटल करने के लिए हमारे प्रदेश की पुलिस सक्षम है, हमारे प्रदेश के कानून सक्षम है, लेकिन अपराध को संरक्षण देने के लिए क्या ये सरकार सक्षम है? क्या ये सरकार इसीलिए चुनी गई है कि वो अपराध को संरक्षण किया? चलिए चलिए संदीप जी, आपके पूर्व विधायक कहीं ना कहीं अपवादों में लंबे समय से घिरे हुए हैं और बुरी तरह घिरे हुए हैं। हालांकि उनका ये भी पक्ष है कि फरवरी में बाहर से शूटर बुलाकर मुझ पर भी गोलीबारी चलाई गई, आज तक पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। और अब उनका बेटा शूटर हायर करता है, ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, और बेटा अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा है, फरार है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, और वहीं पे उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा जी से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, त्रिलोक जम्बाल जी से बता रहे हैं, डीजीपी महोदय से जान को खतरा बता रहे हैं। ऐसा सरकार आपकी और खतरा पूर्व विधायक, आपके पूर्व विधायक और पार्टी के महासचिव को खतरा क्यों हो गया? यह बिलासपुर में चल क्या रहा है? क्योंकि एम्स और रेलवे के कामों में कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के दखल के बाद ये विवाद शुरू हुए हैं वहां पे, क्यों हुए हैं ये? क्या वहां पे एक लॉबी आ रही है केंद्र के इशारे पे और पूर्व विधायक टकरा रहे हैं उनसे? जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे भाई विवेक शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट और कांग्रेस की सरकार का बड़ा स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी आपराधिक मामला अगर होता है तो उसके साथ ना पार्टी का संगठन खड़ा है और ना कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जो भी घटनाएं हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सीधा निर्देश है पुलिस को कि जो भी घटना होती है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उसके अंदर जो जो कार्रवाई बनती है, जो जो इंडियन पेनल कोड के जो भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार जो जो कार्रवाई करती है आप इसको खुले तौर पे करें। तो इसमें तो कोई अतिशक्ति नहीं है और ना कांग्रेस की तरफ से और ना जो हमारी प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से कोई इसमें लॉलपेट करने की बात हुई है। अब आती है बात की जब भी हिमाचल प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, तो अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी आपका 4 लेन का प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, बिलासपुर के अंदर की बात करूं और एम्स का प्रोजेक्ट है। जब जब भी यहाँ पे कोई कहीं किसी भी राज्य में कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट को लेके या अन्य चीजों को लेके, ठेकेदारी को लेके वहां पे जो है वो हमेशा रस्साकसी चलती है। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पे लोगों में कितना सामंजस्य है या कितना संतोष है लोगों के अंदर, वो किस तरह से इस चीज को करते हैं और किस तरह से वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रोजेक्टों में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है वो किस तरह से इन चीजों को लाइजन करता है। तो वहां पे इन कामों को लेके, इन ठेकेदारियों को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके वहां पे रस्साकसी होती है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा जो फरवरी के अंदर जो घटना घटी बिलासपुर के अंदर, ये जो गोली चली है ये शायद उसी घटना की कड़ी का एक हिस्सा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो घटना चली उसके अंदर जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर हमला हुआ और हमला हुआ तो जो यहाँ पे डीजीपी थे, जो पूर्व सरकार में भी डीजीपी रहे थे, वो वाकई में यहाँ आए और जो हमलावर थे उनको अरेस्ट किया गया, कानून ने अपना काम किया, उनके ऊपर 370 और जो भी धाराएं थे, सॉरी 307 जो भी धाराएं बनती थी आईपीसी की, वो उनके अंदर लगाई गई और उसके तहत वो कार्रवाई चली है। अब ये जो नया प्रकरण बिलासपुर की राजनीति के अंदर हुआ है, बिलासपुर के अंदर जो हुआ है कि उन्हीं में से जो हमलावर था वो वहां पे पेशी में जाता है और पेशी के कोर्ट के बाहर, और देखिए कोर्ट के बाहर जो बात है, वहां पे कोर्ट के बाहर जब जाता है तो वहां पे आपके वहीं पे एसपी का ऑफिस भी है, वहीं डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी है, वहां सेशन कोर्ट भी है, वहां वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है और वहां पे जो हायर की और शूटर है उसने वहां पे अटेम्प्ट किया है और उसके ऊपर अटेम्प्ट किया है जिन्होंने पूरा विधायक के ऊपर जो हमला किया है। तो ये सारा के सारा मैं बताता हूँ कि हिमाचल की जो बिलासपुर की पुलिस है उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर, 30 आधे घंटे के अंदर उस शूटर को पकड़ा भी और उस शूटर से काफी चीजें उगलवा भी गई अभी, और उसके अंदर फटाफट जितने भी जो आईपीसी की जो धाराएं थी 307, 34, 201 और 120 बी के तहत जो है वो मुकदमा दायर कर लिया है। और उसके अंदर जो पुलिस के जो एसपी हैं, यहाँ पे जो पुलिस कप्तान है, उन्होंने भी इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फैक्ट्स के बेस पे उनके उसके अंदर क्या साक्ष्य मिले हैं वो सारे के सारे उन्होंने कहे हैं और बताए हैं।
और उसके तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हो सकती हैं, तो वो सारा के सारा जो प्रक्रिया है, इन द मीन टाइम क्या होता है कि जो जो शूटर है वो पूर्व विधायक के बेटे का नाम लेता है और वो बेटा जो है इनका जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जाता है। तो उच्च न्यायालय के अंदर जाके उसके अंदर उसके पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है और शायद उसमें ये कहा गया है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस भी होनी चाहिए। तो ये मामला जो है वो आज उच्च न्यायालय में लगना था, 25 तारीख को लगना था, अभी क्या उसका स्टेटस है मुझे नहीं पता। लेकिन कांग्रेस जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीति मुद्दा बना रही है, जबकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये अपराधी अपराधीकरण का मुद्दा है। और कांग्रेस कभी भी अपराधी प्रवृत्ति के साथ, अपराधियों के साथ और कोई भी इस तरह की मानसिकता के रखता है उसके साथ ना कांग्रेस ना सरकार उसके साथ उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देती और उसका बिल्कुल भी समर्थन देती। कांग्रेस अपनी प्रतिबद्धता जो है वो अनुशासन के साथ दर्शाती है और वही आदेश जो है वो प्रशासन को भी दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन को भी दिया गया है और सारे के सारा जो है वो सारी के सारी कार्रवाई चल रही है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो शूटर है ये प्रोफेशनल है। ये शूटर ने क्या किया है कि इसने पहले इसके ऊपर जो इसने अपनी मां का भी मर्डर किया गया है। और एक चीज और बताता हूँ कि पुलिस किस तरह से इस केस को प्रॉम्प्ट कर रही है। पुलिस ने जहां से वेपन कहीं से खरीदा गया है उसके घर पे भी छापेमारी की गई है और पता साक्ष्यों से भी पता लगा है कि जो पुश्तैनी मकान पूर्व विधायक का है वहां पे भी पुलिस ने वहां पे कोई विटनेस साथ लेके वहां पे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके छापेमारी की गई है। तो पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जहां तक आपराधिक छवि, चाहे वो पूर्व विधायक के पुत्र हो या पूर्व विधायक हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं भी इस अपराधी छवि को रखता हूं तो आज मैं इस कैपेसिटी में नहीं होऊंगा कि मैं आपके सामने पार्टी का पक्ष रख पाऊं। तो ये बड़ा साफ मामला है, इसके अंदर जो भी साक्ष्य निकल के आए, भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया जिस दिन उन्होंने जुलूस निकाला इसके विरोध में, अनुराग ठाकुर जी सांसद महोदय ने ये कहा कि त्रिलोक जम्बाल जी ने पहले ही पुलिस प्रशासन को बता के रखा था। क्या त्रिलोक जम्बाल जी को कैसे पता था कि कोई हमला होने वाला है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई एहतियाती तौर पे कोई कदम नहीं उठाया, एक तो ये आरोप लग रहा है। दूसरा, विधायक ने भी, आपके पूर्व विधायक ने भी उसी दिन विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के झंडे लेकर किया और कहा कि माफिया, नशा तस्कर माफिया और गुंडा राज को भाजपा समर्थन दे रही है, ये एक कितना, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बात ठीक है कि जो लोग हैं, इस बात से मैं मुकर नहीं सकता कि जो लोग जिन लोगों के ऊपर ये अटेम्प्ट किया गया है या जिन लोगों ने पूरा में पूरा विधायक के ऊपर जो अटेम्प्ट किया गया था रेलवे की साइट के ऊपर, रेलवे के कार्यालय में, तो उनके जो फोटोग्राफ हैं सोशल मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आए हैं, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। तो वो कभी जो यहाँ के विधायक हैं उनके साथ हैं या जो यहाँ के पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके साथ भी उनके साक्ष्य मिले हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसको जो यहाँ का लोकल मीडिया है उन्होंने भी इस चीज को लिखा है। लेकिन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब जानते हुए, अब मैं कहता हूं कि कुछ दिनों, शायद 28 मई की जो कोई बात है, 28 मई को वो ही लोग जो जिन्होंने पूरा विधायक के ऊपर हमला किया था और जिनके ऊपर अब शूट आउट हुआ है, तो 28 मई को वो भी एक पत्रकार वार्ता करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि काफी एलिगेशन उन्होंने उसके पूरा विधायक के ऊपर भी लगाए हैं और जो हमारे पूरा विधायक है उन्होंने भी काफी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए हैं। ये सारा का सारा विषय जो है ये गंभीर जांच का विषय है। तो जो पूरा एलिगेशन लगाए हैं तो उन्होंने पहले ही ये आशंका जता दी थी कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसका उसके जो है उसका जो करदार होगा वो उन्होंने पूर्व विधायक को एलिगेट किया था। अब पूर्व विधायक जो हमारे हैं वो ये लगा रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई मेरी हत्या होती है या मेरे ऊपर हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी और डीजीपी की होगी। डीजीपी का तो उन्होंने बाय नेम भी लिया है। तो वो जो डीजीपी है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2002 का मामला सुनिए, 2002 का कोई मामला अगर इनके आपस में था तो मैं नहीं समझता कि वो अब तक सुलटा नहीं होगा, ये सुलट गया होगा। और ये पूर्व विधायक ही बता सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के जो आरोप लगाए हैं
ये उनके पास इसके क्या परिणाम है, उसके पीछे इनका क्या बेस है, उनके इन आरोपों का क्या आधार है। पार्टी पार्टी जहां तक पार्टी की बात है तो पार्टी इसके बारे में बड़ी स्पष्ट है, पार्टी कभी भी क्रिमिनलाइज पार्टी पॉलिटिक्स को। चलिए मैं आस्था जी के पास जाऊंगा। पहले आस्था जी, प्रदेश में ये क्या परंपरा चल रही है, चांद धरती को लहूलुहान किया जा रहा है, शूटरबाज से बुलाया जा रहा है, और लड़ाई सारी जो है ये काम धंधों को लेकर है, जो केंद्र सरकार के चाहे फोर लेन के प्रोजेक्ट है, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट है, पहले चाहे एम्स के हैं, इनमें काम काज लेने की लड़ाई है। और पूर्व विधायक भी कांग्रेस के कूदे हुए हैं, उनके भी लोग काम कर रहे हैं, भाजपा के भी लोग काम कर रहे हैं, और ये लड़ाई अब खूनी रंग ले चुकी है। और आरोप विधायक को खतरा हो गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने अपनी जान को खतरा बता दिया है, ये हम जा कहां रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आपने सुना होगा एक कहावत है, वो कहते हैं कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। जब आप लोग ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी दल, किसी ऐसा नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जब ऐसे लोगों को आप राजनीति में ला करके एक तो उनका महिमा मंडल करो, ऊपर से उनको पदों पे भी आप ऐसे पदों पे बिठाओ जहां पे वो और ज्यादा अपने आप को सशक्त पाते हैं, पावरफुल पाते हैं, उसके बाद उनको विधानसभा टिकट दे करके विधानसभा में भी बिठा देते हैं। तो वो लोग कभी भी, आप समझिए इस चीज को, जो बार बार हम लोग कहते हैं, हमारे जैसे विचारिक लोगों की तो लड़ाई इस बात पे है कि आज की जो राजनीति है कुल मिलाकर की इसी बात पे तो रह गई है कि चुनाव जीतना, किस तरह से जीतना, उसके लिए कोई भी मापदंड जो है किसी भी उस पे लेवल कोई है ही नहीं है उसका, कहां आप कैसे जा सकते हो। अब इसी मामले को आप देख लीजिए, बड़ा एक सबक जो है, अगर हिमाचल अभी भी नहीं सीखेगा तो मुझे नहीं लगता हम लोग शायद लेट ना हो जाए। हिमाचल की धरती पे तो कभी पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। सत्ता की लड़ाई के साथ साथ ये चीजें, आप बहुत सारी चीजें अंदर की भी देखिए कि लड़ाइयां हो किस बात पे रही है, या तो माफियाज की लड़ाइयां होती है, उन्हीं को टिकटें मिलती है। और विवेक शर्मा जी को भी मैं और संदीप भाई को भी बताना चाहता हूँ, एक विधायक जी को उठाया गया था सत्ता के लिए, और जो उसमें सबसे मुख्य वो था, आज वो राज्यसभा में सांसद है भाजपा के। तो ऐसे लोगों को पाला पोसा जब जाता है तो ये लोग बारी बारी से सबको ही आकर के करेंगे। ये कोई लोक सेवा के लिए यहाँ पे नहीं आए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि एक बार विधानसभाओं की जो फैसिलिटीज हैं उसको विड्रॉ करना शुरू करवाइए इनसे। इनकी धौंस जो होती है ना, जब जनता के ऊपर धौंस दिखाना और राइवल जिसको उसके ऊपर अपना एक जो होता है फिफ्टम उस एरिया का बनाने के लिए, वो उसकी जो छटक होती है उसके लिए ये लोग राजनीति में आते हैं। इनको पता है कि उस कुर्सी के बगैर या उस सत्ता के बगैर इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि रियल करेक्टर आम आदमी तो डरता है, इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करता है। अब इतने मुकदमे होने के बावजूद, संदीप भाई फिर से मैं आप बात को बताता हूँ कि एक माल रोड पे प्रकरण हुआ था, आपने उनके सुपुत्र को भी बार बार, जिनका काफी सारा वो है, नालागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं फिर से वो, ऐसी क्या मजबूरियां संगठन की होती है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के साथ साथ क्या पूरे उस विधानसभा में आपके पास एक से एक सशक्त उम्मीदवार था, आप अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दे पाते हैं? केवल और केवल इसलिए, इस समय तो आपके पास खेलने के लिए भी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, जिसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते थे, वो कर सकते थे आप कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए, उनको भी मौका दीजिए, आकर के कुछ तो करेंगे, आपकी तो सरकार भी खतरे में नहीं है। जो इनका मकसद था भाजपा का वो भी फेल हो चुका है। अब एक कॉन्ट्रैक्टर को देखिए कितना इन्वॉल्वमेंट, देखिए आप इस पूरे प्रकरण में कि वहां पे रेलवे की लाइन बिछनी है, उसमें भी मटेरियल सप्लाई का आदमी कौन होगा वो भी तय पार्टियां करेंगी, आम आदमी के लिए कोई वो नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जाना है या तो भाजपा के दरबार में जाएगा या कांग्रेस के दरबार में जाएगा, यानी के जो ईमानदारी से काम करना चाह रहेगा उसके लिए भी कोई वहां पे स्पेस नहीं। आस्था जी वहां मामला ये है कि बड़ी कंपनियां काम ले लेती हैं, कॉन्ट्रैक्टर बड़े काम ले लेते हैं, आगे पैटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लड़ाई वो है कि मेरे बंदे हूँ, क्योंकि वहां पे भाजपा के लोग, ठीक बोला सांख्यान जी ने कि वो सांसद के साथ भी देखे जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी देखे जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी देखे जाते हैं। वो लोग वही लोग इन वारदातों में शामिल है, दोनों तरफ से लड़ाइयां बराबर है। अब सरकार बदली हिमाचल में
पूर्व विधायक को भी जोश आ गया, वो भी पहुंच गए अपना हक लेने के लिए, अपने लोगों को साथ लेके और इस विवाद में उलझ गए। बिल्कुल, ये जो पैसा देखिए ना, लड़ाई इसमें देखिए प्रशासन कितना राजनीतिक, उसमें देखिए कितना बुरा हाल है प्रशासन का या राजनीतिक उसके, ये मतलब एक तरह से हथियार डाल देते हैं और उनको पूरी छूट देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रामपुर के पास एक हाइड्रो वो प्रोजेक्ट बना था, वहां पे एक बड़ी कंपनी आई थी, उसके बाद वहां के जो जितने भी ऐसे नेता थे जो कोई काम काज कुछ नहीं करते थे, केवल कांग्रेस में उनका नाम था और उनकी प्रॉक्सिमिटी थी वीरभद्र सिंह जी के साथ, वो जाकर के बैठते हैं, कंपनियों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि देखिए ये इतने टिप्पर हमारे मगिंग के लिए लगेंगे, आपके नहीं लगेंगे। बस यही सिलसिला चल रहा है। वहां तक कि हमारे लोग बनाएंगे, बाहर का आदमी कोई आएगा नहीं, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो ये सब जगह पे है, अक्रॉस है, और ये इतना चिंताजनक। चलिए मैं अभी विवेक जी से लूंगा एक प्रश्न। विवेक जी प्रश्न भी रहेगा पहले, ठीक है वो सांख्यान जी का कहना है वो संगठन के पद पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वहां पे एक भाजपा आम चर्चा करती है कि बिलासपुर में चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे आईपीएच है, उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं सारे बंबर ठाकुर के लोगों को जाते हैं। वो आवाज तो त्रिलोक जम्बाल जी ने कभी नहीं उठाई, ठीक है, लेकिन वो जब रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वेपन चल रहा है इस सारे मामले में। मैं आपके प्रश्न पे आऊं, सबसे पहले जो संख्या जी ने जो विषय उठाया, मैं पहले उनके ध्यान, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं आपराधिक मामला है। मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूं कि ये राजनीतिक नहीं आपराधिक मामला है, और उन्होंने कहा कि ना पार्टी उनके साथ खड़ी है ना संगठन खड़ा है। फिर वो प्रभारी होने के नाते और पार्टी के महामंत्री होने के नाते अभी तक क्यों बने हुए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। वो अभी भी आपके संगठन में क्यों है, आप अभी तक वो संगठन से बाहर का रास्ता उनको क्यों नहीं दिखाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सरकार और कांग्रेस संगठन का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त है जो आपराधिक छवि में लिप्त है। दूसरा, इन्होंने, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये ठीक है कि जब गोली चल गई उसके बाद पुलिस गई, पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में पेश किया, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन क्या ये सीधा सीधा देश की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? वहां 5 महीने पहले घटना हुई, दोनों पार्टियां वहीं पर थी, क्या उनकी गतिविधियों पर इंटेलिजेंस सर्विसेज को नजर नहीं रखनी चाहिए थी? ये सारा घटनाक्रम बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से इंटेलिजेंस फेलियर का भी है। ठीक है, घटना घट गई, पुलिस एक्ट करेगी, ये कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या करती हैं स्टेट की, उनको नहीं पता? इंटेलिजेंस का तो हाल ये है, आप लोग 6 विधायक इनके ले गए तब नहीं पता चला, उसको तो छोड़ दीजिए, उसको प्लैश से सिस्टम सारा इस सरकार का, इनको पता करना चाहिए इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या कर रही हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने मेरे से पूछा अभी कि वहां पर जो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या काम के लिए, अरे भाई जो कार्यकर्ता है या सामान्य व्यक्ति है वो किसी भी जनप्रतिनिधि के पास अप्रोच करेगा, ये एक बड़ी सामान्य घटना है, लेकिन उसमें अब जनप्रतिनिधियों के पास कोई इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति आपके पास आ भी जाता है तो ये इंटेलिजेंस सर्विसेज का काम है कि इंटीमेट करना जनप्रतिनिधियों को कि आप इन तरह के चुंगल में फंस रहे हैं, भैया इनसे बच कर रहिए। उसके बाद अगर वो जनप्रतिनिधि उनका पोषण करता है तब वो आपराधिक कहा जाएगा, लेकिन यहां तो सिस्टम ही कोलैप्स है। और दूसरा जो राकेश आष्टा जी ने प्रश्न उठाया, मैं राकेश आष्टा जी हमारे हिमाचल के नागरिक हैं, मैं इनका बड़ा मान सम्मान करता हूं, लेकिन जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं आम आदमी पार्टी, उनके तो मुख्यमंत्री के निवास पर महिला आयोग की महिला को पीट दिया गया, वहां पर ये स्थिति है। तो ये सब चीजें आत्मचिंतन करने की भी है, केवल दूसरे राजनीतिक दलों दिखा करके आगे बढ़ने से विषय समाप्त नहीं हो जाता। जी, चलिए ऐसा है, गुंडागर्दी जो है सियासत के मुहाने पे ही पलती फूलती है, ये किसी से नहीं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है। जी संदीप जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि उनके ऊपर 29 केस चल रहे हैं, 30 केस चल रहे हैं, ये मैं ठीक है मानता हूँ कि उसके साक्ष्य भी हैं और इनके पास भी होंगे, क्योंकि ये भी बता रहे थे कि पूरा उसका लिस्ट किया, तो देखिए अभी तक वो सारे के सारे केसेस अंडर ट्रायल हैं,
और जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, और ये मेरे कहने का विषय नहीं है, ये इसके ऊपर पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना है कि उनको पार्टी में रखना है, संगठन में रखना है, सरकार में रखना है, वो तय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और हमारे प्रदेश की अध्यक्षा करेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हैं, मामला जो है वो संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, और जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी छानबीन भी जो पार्टी है और सरकार है वो करेगी। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बार बार यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसको आप राजनीति से ना जोड़ें, ये जो मामला है, और मैं एक चीज और इसमें बीच में ऐड करना चाहता हूँ कि कहीं दो ही दलों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में है या आईपीएच में है जो आपने कहा डॉक्टर साहब, तो इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो काम ले रहे हैं ये कार्यकर्ताओं को काम दिला रहे हैं कि अपने लिए ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हैं चाहे प्रदेश सरकार के लोग हैं। अगर आपने स्वच्छ राजनीति करनी है, विशुद्ध राजनीति करनी है, तो इन चीजों को इससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। और मैं इस बात से जो हमारे राकेश भाई ने जो बात की है, मैं काफी सहमत हूँ उस बात से, इस बात को लेके, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रांकियान जी, एक आप पार्टी, खैर इस मामले में बंबर ठाकुर जी से पूरा नाता टूटा चुकी है, पार्टी किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, उनके समर्थक हैं पार्टी के अंदर, वो झंडा उठाकर चल पड़ते हैं, विरोध भी कर दिया उन्होंने, लेकिन ये विवादित व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि पहले जब पार्टी टिकट नहीं देती थी तो निर्दलीय चुनाव लड़ देते थे और आपके पार्टी का कैंडिडेट हार जाता था, टिकट दिया एक बार जीते और उन्होंने कैसा कार्यकाल किया सबने देखा, अगली बार एक बड़े साधारण से व्यक्ति से वो हार गए, फिर मेहनत की, लेकिन विवादों में फिर रहे, चाहे रामलाल ठाकुर जी बहुत सीनियर लीडर हैं वहां के, चाहे राजेश धर्मानी जी, इनके खिलाफ भी बोला कि मैं तो इनको हराने जाऊंगा इनकी कंस्टिट्यूएंसियों में, फिर पार्टी कैसे झेल रही है? ये तो सर मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जो हैं वो इसके ऊपर जो संज्ञान लेंगे, और जहां तक ये बातें आप कहते हैं कि अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2003 का चुनाव हुआ उसमें तिलकराज शर्मा जी थे, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हराया। 2007 के चुनाव के अंदर इन्होंने डिसीडेंट होके यहाँ पे चुनाव लड़ा जो अभी पूर्व विधायक हैं। फिर 2013 में इनको टिकट मिला, 2017 में मिला, 2022 में मिला, 2017 में जो 2012 में इनको टिकट मिला तो ये जीत गए, उसके बाद दो बार ये लगातार चुनाव हारे हैं। तो ये विषय जो है ये पार्टी को देखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है, माननीय प्रतिभा सिंह जी को देखना है, और इसके बारे में ये आपने काफी क्लियर कर दिया कि पार्टी जो है, पार्टी का इसके बारे में स्टैंड ठीक है और सरकार का भी इसके बारे में, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जो आएगा अगर जिनके ऊपर शूट हुआ है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर इसमें अगर जो पूर्व विधायक हैं अगर उनकी उनके ऊपर कोई गलत चीजें हुई हैं तो जिन्होंने गलत चीजें की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में बड़े साफ हैं हम। संख्या जी, उनका आज का भी बयान है कि अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो मैं उसके साथ हूँ, अगर वो दोषी है तो फिर मैं कानून के साथ हूँ, एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो फरवरी का हमला है, 5 माह पहले जो मेरे पे हमला हुआ उसमें भी बाहर से शूटर बुलाए गए थे, उनको पुलिस ने आज तक क्यों नहीं पकड़ा, ये भी उनका सवाल है। उसके अंदर देखिए डीजीपी साहब अपने आप आए थे, 307 उसमें लकी है आईपीसी की धारा, और वो मामला दर्ज हुआ है। एक आदमी सुनिए, ये खुद ही पूर्व विधायक जी एक किसी पवन का नाम लेते हैं तो वो आदमी फरार है, आज पता लगा है कि उसने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। वो जो शूटर है तो ये जो मैटर है उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, डीजीपी साहब से भी कहना चाहूंगा, माननीय एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के कोई शूटर हरियाणा से आए थे तो दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, और दूध का दूध, इट शुड बी द इन्वेस्टिगेशन शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, सो दैट द पिक्चर वुड बी वेरी क्लियर टू द पब्लिक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है अगर उन्होंने क्यों ना ये मामला सीबीआई को राज्य सरकार दे, अरे वो मामला देखिए, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये डिमांड कर रही है तो मैं कहता हूँ पूर्व विधायक ने उससे पहले ये मांग की है, लेकिन पूर्व विधायक ने अगर इससे मामले पहले जांच की है तो ये हमारी ही सरकार है, तो पूर्व विधायक की अगर इस तरह की डिमांड है तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि अगर पूर्व विधायक इस तरह की मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में है वो तो इस तरह की मांग करती है, लेकिन अगर पूर्व विधायक जी भी अगर इस तरह की डिमांड करते हैं तो उनके उनके हो सकता है उनकी बात में कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है, तो तभी उन्होंने इस तरह की डिमांड की है, तो अगर ये देना चाहती है, प्रदेश सरकार देना चाहती है तो दिया जा सकता है, इसमें कोई हमारे को कोई उससे वो नहीं है, लेकिन बात यह कि तथ्य जो है
वो सामने होने चाहिए, कोई लूट खसूट जो है और अपराधी कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। शूटर नहीं ढूंढे, पुराने शूटर तो 5 माह से नहीं ढूंढे, पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में है इस मामले में। वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और उसके लिए कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। पूरा विधायक भी कह रहा है कि दबाव में है, तो है कहां पुलिस पर? चलिए विवेक जी, हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हमारे पूर्व विधायक है, हमारे हमारे प्रदेश के महामंत्री है, तो किस तरह का दबाव होगा पुलिस के ऊपर? मेरे को बताया क्या भारतीय जनता पार्टी पार्टी जो है पुलिस के ऊपर दबाव इस पूरे विषय का कंक्लूजन यह है कि वो मंडी में भी फाइनेंसर थे लोकसभा चुनावों में और आज देरा में भी फाइनेंसर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जहां से चुनाव लड़ रही है। यह मूल विषय है, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हुई तब तक कुछ नहीं निकलेगा। चर्चा को विराम दीजिए। ये चलिए चर्चा को विराम दीजिए। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भी बाहर से शूटर हायर कर एक व्यापार की जंग चल पड़ी है जिसमें कि राजनेता कूदे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर विवादों में है, फरवरी में भी उन पे हमला हुआ, वो रेलवे के कार्यों के लिए अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब जिसने उन पे हमला किया होता है उस हमलावर पे कोर्ट के अंदर पेशी को आया होता है और उसके ऊपर फिर से फायर हो जाते हैं और शूटर बाहर से लाया जाता है और शूटर को हायर करता है पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बेटा और अब वो फरार है। मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रंगत ले चुका है और पुलिस की कार्रवाई बड़ी सुस्त तरीके से फरवरी से चल रही है। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्बाल ने भी कहा है कि ये मामले को सीरियस लेना चाहिए, जब भी ये है इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन उनका कहना कि पुलिस प्रशासन सरकार के हाथों में खेल रहे हैं और बंबर ठाकुर को संरक्षण प्राप्त है। वहीं बंबर ठाकुर के आरोप है अगर उनकी हत्या होती है, उनके परिवार में किसी के साथ कुछ होता, तो उसके जवाबदेह सीधे तौर पे जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे, त्रिलोक जम्बाल जी होंगे, हिमाचल प्रदेश के DGP होंगे। कहीं ना कहीं सरकार के ही पूर्व विधायक ने सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।